वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग जाने वाले हैं, बस हम मतलब स्टेडियम के आगे ही खड़ा हूँ और हम लोग हराने वाले हैं चैंपियन को। ये मैं सच में 3 एपिसोड से बोल रहा हूँ, पर आज लगता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है कि हम लोग सच में जाएंगे और सच में उसको हराएंगे। ठीक है, लोगों ने मेरे को पहले से डरा दिया है कि उसके पोकन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आते हैं, 63 या 64 के लेवल के आते हैं। भाई ऐसे मत डराया करो यार, मैं वैसे ही डर गया। वैसे ज़्यादातर जब भी मैंने बैटल किया चैंपियन से तो मेरे पोकन हमेशा कम लेवल के रहते हैं और मुझे थ्रिल मिलता है यार उस चीज़ में कि मेरे पोकन कम लेवल के हैं फिर भी मैं उसको हरा पा रहा हूँ। वो टफ कंपटीशन मिलता है वो, जो अभी तक मुझे नहीं मिला है। अभी तक ब्लैकआउट भी नहीं हुआ उस गेम में, मैं चाहता भी नहीं कि मैं हूँ, पर एक टफ कंपटीशन मुझे चाहिए और तभी मज़ा आता है जब पोकन ज़्यादा लेवल के हो चैंपियन के। तो मैंने अपनी पार्टी में एटर्नल्स को रख लिया है, मैंने ड्रैगपल्ट को हरा लिया है, हटा दिया है। एंड मुझे पता है काफ़ी सारे लोग गुस्सा होने वाला है, पर मेरे लिए भी भाई बहुत टफ डिसीजन था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ड्रैगपल्ट, पर तुम लोग को एक लॉजिकल रीज़न देता हूँ उसके लिए। भाई रीज़न ये है कि ड्रैगपल्ट का स्पीड अच्छा था, स्पेशल अटैक थोड़ा कम था यार, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वन हिट कर पाएँ टारगेट को, दैट इज़ आर मेन प्रायोरिटी। अगर हम लोग की स्पीड अच्छी है पर हम लोग उसको अगर नहीं मार पाए तो सामने वाला हमें मार देगा, सही बात है नहीं है। इसकी स्पीड भी बुरी नहीं है, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है यार, और इसका जो HP है वो तो भाई बोलने का ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके अलावा हमने ड्रेडनो को रखा है, ड्रेडनो की लेवल बहुत कम है पर हमको रेक्स को रखना पड़ रहा है और कोई चॉइस नहीं हमारे पास। ओके, उसके अलावा हमारे पास है क्रोविनाइट जो स्टील टाइप है हमारा, वो फ्लाइंग टाइप है, मस्त पोकेमॉन है। उसका टॉक्सिसिटी है भाई, उसको तो हम हटा नहीं सकते, अपना प्यारा राज दुला रहा है। ग्रिमस्नार्ल आई हैव टू कीप हिम बिकॉज ये फेरी टाइप है, और ये हमारा मेन पोकेमॉन सिंड्रेस, इसको भी मैं आगे रखने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सा पहला पोकेमॉन आएगा उसका, बट आई जस्ट होप कि एक ग्रास टाइप है, ऐसा कुछ ग्रास टाइप तो पता नहीं होता अभी उसके पास के नहीं होता हो, बट या दिस इज़ माई टीम। एंड मैंने एटर्नस को और कोई नया मूव नहीं सिखाया है, मैंने ड्रेकोमीटर नहीं सिखाया, उससे अटैक कम हो जाता है, स्पेशल अटैक कम हो जाते हैं, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। बट या गाइस, आई थिंक वी आर प्रीटी मच रेडी टू गो एंड डिफीट द चैंपियन। मेरे सब लोग शेयर कर रहे हैं, ऋषभ ऋषभ बीट हिम चैंपियन। अच्छा वो उसके लिए शेयर कर रहा है, डोंट गिव अप ऋषभ। अच्छा अभी रुक जाओ, हम लोग हरा तो देंगे चैंपियन को। चलो गाइस चलते हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी तैयार हूँ इस बैटल के लिए। सो या लेट्स हेड इन एंड डिफीट लियोन वंस एंड फॉर ऑल। इसका मतलब ये है वैसे चैंपियन बैटल का कि हमारा गेम टू द एंड आ चुका है, पर इसके बाद भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है जो हमें खेलना है। अब इस बार कोई नहीं आएगा भैया, चिंता मत कर तू। माय मैचेस आर ऑलवेज सोल्ड आउट बट दिस आई हैव नेवर सीन अ क्राउड दिस वाइल्ड। अच्छा मेरे लिए आया मतलब वो लोग। एवरीवन नोज़ व्हाट यू डिड फॉर अस दिस वीक ऋषभ, दे नो यू आर द वन हु कॉट एटर्निटस एंड सेव द फ्यूचर ऑफ गला रीजन, अ रियल हीरो हु बैटल अलॉन्ग साइड द लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ाशियन एंड ज़ेमेज़ेंटा। भाई पिछला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा औसम था, अगर तुम नहीं देखा ना तो जाके ज़रूर देखना यार, बहुत ही औसम एपिसोड था। उसमें हम लोगों ने ज़ाशियन और ज़ेमेज़ेंटा के साथ में बैटल की थी जो कि सच में औसम था। ओके, आई कुड हैव ड्रीम्ड ऑफ अ बेटर चैलेंजर टू हेल्प इंक्रीज माई विनिंग स्ट्रीक। अच्छा अच्छा बेटा, ओ एंड यू इवन एडेड एटर्निटस टू योर पार्टी। हाँ भाई इसको पता कैसे चला, द ग्रेटेस्ट चैलेंजर लॉन्ग विद द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन, इज दैट इट? नाउ यू आर रियली गेटिंग मी एक्साइटेड, कम ऑन ऋषभ, लेट्स मेक दिस अ फाइनल मैच दैट विल गो डाउन गलास हिस्ट्री। हो जाए भाई, नो अ मैच दैट विल चेंज गला फॉर एवर। अरे क्या बात है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं चैंपियन बनने वाला हूँ ना, तो मैं गलार को बदल दूंगा। ऐसे वैसे लोगों को आने नहीं दूंगा, रोज जैसे लोगों को, ये भाई रोज से मैनिपुलेट हो गया था, मैं नहीं होने वाला किसी से मैनिपुलेट। ऑफकोर्स सिवाय सोनिया के, वो उसकी बात अलग है, पर बाकी किसी से मैनिपुलेट नहीं होऊंगा मैं। चलो गाइस, लगता है कि सच में टाइम आ चुका है यार, अब कुछ भी बंधन नहीं आएगा। वाह क्या बात, एकदम स्टाइल में यार चैंपियन लियोन तो इस बार, और वो स्टाइल मार रहा है एज ई स्लैश। चलो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि हम लोगों ने आगे रखा हुआ सेंड्रेस को, तो हम लोग इसको वन हिट शायद कर पाएँ, लेवल से पता चलेगा वो तो यार, लेवल कितनी है इसकी। एक्चुअली एज ई स्लैश भी काफ़ी फास्ट होता है ना, तो अब बोल नहीं सकते कुछ भी यार, पता है। चलो आई एम रेडी, आई एम गोना यूज स्पाइरो बॉल। ओ वाओ ये अच्छा हो गया यार, वन हिट हो जाए भाई, प्लीज़ वन हिट हो जाए यार प्लीज़। क्या बढ़िया यार बढ़िया। ओके इसके कितने पोकन है वैसे, 5 या 6 होंगे ज़्यादातर, तो वैसे चैंपियन है तो 6 ही रखे होंगे उसने, पर लेट्स सी। पहला पोकन तो मैंने हरा दिया, 5 बचे हैं बस इसके शायद से, या 4। कितने हैक्सरस निकाल रहा है, हैक्सरस निकालते हो तो हम लोग एटर्निटस निकालते हैं अपना लेजेंडरी पोकेमॉन। इसके पास डायनामैक्स कैनन है भाई, बहुत मस्त मूव है वो, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे। ओके 6 पोकन है इसके पास, तो हम लोगों ने एक को हरा दिया है और 5 और बचे हैं, और इसको मेरे को लगता है कि मैं इसको वन हिट कर पाऊंगा क्योंकि एटर्निटस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। एंड या एज ए सेट कर रहा है, वन हिट कर देगा यार ये पक्के से, प्लीज़ मतलब कर दियो प्लीज़।
ओके नाइस 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 वन एटर्नेटस। अभी तो काफ़ी अच्छी जा रही है वैसे बैटल, आगे का नहीं पता पर अभी तो काफ़ी अच्छी जा रही है। लेट्स सी क्या होता है। मिस्टर राइम आ रहा है यार, मिस्टर राइम आ रहा है ना, तो मैं इसी को रखूँ क्या। मिस्टर राइम आइस, राइम आइस और साइकिक टाइप रहता है, तो एक्चुअली इसके लिए बहुत गंदा हो सकता है। हम लोग क्या तो सिंड्रेस को निकालें, टॉक्सिसिटी को तो निकाल नहीं सकते भाई। ग्रिमस्नाल को निकालूं क्या मैं, ग्रिमस्नाल को निकालता हूँ यार। हाँ ग्रिमस्नाल को निकालता हूँ मैं, वो सही रहेगा एकदम। चलो ग्रिमस्नाल से एक फाउल प्ले करूँगा और दे धनाधन मर जाएगा वो। निकाल भाई निकाल मिस्टर राइम को। क्या नाश्ता ये बंदा यार, सही में हद करता है। चलो प्ले रफ। टीटर डांस इनमें से ज़्यादा फास्ट है, व्हाट। अरे रे 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 भाई कंफ्यूज कर दोगे क्या। अरे यार यार कंफ्यूज कर दिया इसने। प्लीज़ भाई मार दे ग्रिमस्नाल उसको। नाइस 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 वन नाइस वन नाइस वन। आह बच के बच के बच के। मैं डार्क पल्स यूज़ नहीं कर रहा, डार्क पल्स से यार मतलब हो सकता था क्या। प्लेयर ऑफ का डैमेज, बेस डैमेज बहुत ज़्यादा है यार। मार दे भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो फिर डार्क पल्स से मेरे ख्याल से बच ही जाता वो, इसलिए मैं यूज़ नहीं किया, मैं ज़्यादा बेस डैमेज के साथ गया। चलो ड्रैग अप पल्ट आ रहा है इसके पास। अच्छा बेटे अच्छा, ड्रैग अप पल्ट निकालोगे तुम। इसी को रखते हैं, चलो इसी को रखते हैं। हील कर लूँ क्या इसको यार मैं। यार ग्रिमस्नाल काफ़ी स्लो है यार वैसे तो, हो सकता है कि मर जाए। एक काम करता हूँ हील कर लेता हूँ, क्योंकि ड्रैग अप पल्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही होती है सच में। तो फिर मैं एक बार हाइपर पोशन यूज़ कर लेता हूँ उसके ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कुछ भी, क्योंकि हो सकता है कि हमें वन हिट कर दे अगर हमारी इतनी हेल्थ रही तो। ठीक है फ्लेम थ्रोअर, मतलब आधी हेल्थ तो नहीं जाएगी कम से कम। ठीक है बच गए बच गए बच गए। ओके लेट्स यूज प्ले रफ, आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्रिटिकल हिट ना पड़े बस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बच गए, वन हिट कर दे भाई प्लीज़ वन हिट। नाइस नाइस भाई तालियां यार, भाई तालियां यार, इसके लिए तो तालियां बजती हैं यार सच में। और एक लाइक ज़रूर मार देना भाई अपने ग्रिमस्नाल के लिए। क्या बात है यार, क्या बात है। इंटेलियन आ रहा है, इंटेल इसके इंटेलियन। अच्छा हाँ पर मैं भूल कैसे गया, इसे तो सोबल को ले लिया था ना गाइस, इसे सोबल को ले लिया था तो इसका सोबल बचा हुआ है। ओके पर इसके बाद भी तो इसका एक और पोक। अच्छा 4000 बचा है ना इसका, वही मैं सोचूं तो उसके दो पोकन बचे हैं, एक है इंटेलियन एक है 4000। तो 4000 लास्ट में निकालेगा शायद, उसको जाइगेंटा मैक्स करेगा यार वो भाई वो दिक्कत हो सकती है यार। अब यार वो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे पास वाटर टाइप तो बहुत बेकार है, मेरा वाटर टाइप बहुत ज़्यादा बेकार है यार। अबे यार मुझे सोच समझ के करना पड़ेगा कुछ। चलो ठीक है अभी इंटेलियन के लिए मैं किसको निकालूं, टॉक्सिसिटी को निकालते हैं भाई। यार चार्जर को कैसे मारूंगा मैं, अबे यार दिक्कत हो गई ना यार इधर। चार्जर मेरे को पकड़ के पील सकता है भाई बुरी तरह से, वो एयर स्ट्रीम करेगा ना तभी मैं फेंट हो जाऊँगा। देखेंगे यार देखेंगे, मैं लगता नहीं मैं ड्रेडनो को डायनामैक्स करने वाला हूँ, मैं किसी और को डायनामैक्स करूँगा भाई। ड्रेडनो को हम ना कर रहे हैं। ये क्या है भाई, इससे मेरे के अटैक कम हो रहे हैं क्या। अरे यार चलो मुझे स्पेशल अटैक भी कम हो जाता है। अरे यार वन हिट नहीं होगा अभी है। अरे यार हद होती है भाई, वन हिट हो जाता है वरना हद होती है भाई। मरेगा अभी मरेगा मरेगा, मुझे पता था मुझे पता था ये मरेगा यार। हद हो गई यार हद हो गई यार। क्या यार टॉक्सिसिटी, तू क्या करता है बे, कभी कभी ना तू दिमाग खराब कर देता है। क्या करूं क्या मैं अब, किसको निकालूं समझ में नहीं आ रही बात मुझे। एटर्नेटस को निकालूं क्या, क्रॉस पॉइजन से कुछ कर पाएगा। चलो डायनामैक्स कैनन यूज कर लूंगा मैं उस पर, थोड़ी सी तो एचपी बची है अब, मेरे को नहीं लगता फुल रिस्टोर यूज़ करने वाला है। एक्चुअली कर सकता है क्योंकि इसका अभी तक कोई पोकन हुआ नहीं है जो कि लाल पे रहा हो, मैं हमेशा वन हिट कर देता था, तो शायद से इस बार ही हील कर ले यार। मैं डायनामैक्स कैनन यूज़ करता हूँ। ओके नहीं किया नहीं किया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये तो गया काम से मतलब।
चलो सही है सही है सही है। अब आती है बारी भाई चार्जार्ड की। अब चार्जार्ड के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ही रखता हूँ, इसको डायगंडामैक्स करता हूँ। चलो ये सही है, मैं चार्जार्ड के लिए इसी को रखता हूँ, मैं ये सही रहेगा। हाँ भाई निकाल, तू चार्जार्ड को निकाल और ये डायगंडामैक्स करेगा पक्का। आई वॉन्ट फिनिश हैविंग अ चैम्पियन टाइम हेयर, आई वोंट लेट एनी वन एल्स विन। अच्छा ठीक है भाई निकालो भाई चार्जार्ड को, जाइगेंटामैक्स करो, तुम तो जाइगेंटामैक्स ही करने आए हो ना इधर। अबे एक सेकंड मैं जाइगेंटामैक्स क्यों नहीं कर सकता, ये क्या बकवास है बे, ये तो गलत बात है यार। मैं इटरनेट्स को डायनामैक्स ही नहीं कर सकता, ये तो यार नहीं यार, ये तो बहुत गलत बात है यार। क्या कर सकते हैं, डायनामैक्स कैनन यूज करते हैं फिर। लगता है कि चैंपियन बैटल में अलाउड नहीं है किसी लेजेंडरी को डायनामैक्स करना, गलत है यार, ये तो बहुत गलत है। और इसको हराने में हमें टाइम लग सकता है, दिक्कत यही है। अब भाई जाइगेंटामैक्स चार्जर वैसे लगता है बहुत औसम है यार, बहुत औसम लगता है। 65 लेवल का है, लोगों ने जो बोला था वो सही निकला यार, 65 लेवल के पोकेमॉन है इसके पास। मेरे पोकेमॉन 60 लेवल के भी नहीं है मुश्किल से। कुछ तो डैमेज कर दियो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो डैमेज कर दियो प्लीज। उरी भाई भाई जीत सकते हैं यार हम लोग बहुत आसानी से जीत सकते हैं। एटेंडेंस को कुछ नहीं होगा इससे, कुछ भी नहीं होगा गाइस, हम लोग आराम से जीत सकते हैं गाइस। ओके पर इसका अटैक पहले लगेगा क्या, अरे यार यही दिक्कत हो गई, बस यही दिक्कत हो गई यार। इसे स्पीड बढ़ा ली अपनी, नहीं मरियो मत प्लीज। यस ही पुल्ड फ्रीकिंग थ्रू मैन, कम ऑन इटरनेटस, तेरा नाम नहीं ले पा रहा पर तू समझ जा भाई, इटरनेटस कम ऑन मैन, कैनी 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 एंड यस, ओ माय गुडनेस भाई जब्बर भाई, तालियां यार इटरनेटस के लिए भाई, तालियां यार जब्बर भाई, मतलब मजे ही आ गए, क्या जिताया इसने हमें यार, मतलब मजे आ गए यार। गाइस हम लोग जीत चुके हैं भाई चैंपियंस कप, बाप रे इतना छुटकू सा एटर्नेटस यार सच में, चुन्नू पुन्नू सा। औ हैट क्यों फेंक रहा है वे तू तो अपनी। माय टाइम एज चैंपियन इज ओवर बट व्हाट अ चैंपियन टाइम इट्स बीन, यार मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है इसके लिए, ऐसे बोल रहे हैं ना माय टाइम एज चैंपियन इज ओवर, तो मुझे लग रहा है कि वो भाई मैंने क्या कर दिया इसके साथ ये। थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट बैटल आई हैव एवर हैड, 15,000 फ्रीकिंग रुपए, माय गॉड थैंक्स यार लियोन, अच्छी बैटल के लिए, काफ़ी अच्छी बैटल थी यार, अभी तक की तो बेस्ट ही थी शायद से, है ना। वैसे एटेंडेंटस वाली भी बुरी नहीं थी, वो भी बहुत मज़ा आया था उस वाली में भी, बट ओ वी आर फिनिश्ड द गेम, मैं भूल गया था कि स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है, मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है, पर नहीं लाइक द गेम इज लिटरली ओवर। तो अभी बस वही सब होगा, हम लोग रजिस्टर करेंगे अपने पोकेमॉन वगैरह। नया चैंपियन आ चुका है गाइस, हाथ जोड़ो मेरे सामने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस पैर पढ़ लो मेरे, उससे भी काम चल जाएगा। यू हैव बीट इवन द अनबीटेबल चैंपियन मेकिंग यू द न्यू चैंपियन ऑफ द रीजन, यू हैव बिकम अ फर्स्ट ट्रेड ट्रेनर, ऑल राइट आई ऑफर यू माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितना मस्त लग रहा हूँ मैं स्क्रीन में, देखा मेरे मैं पहले बोला था लंबे बाल अच्छे लगते हैं स्क्रीन पर, ठीक है तुम लोग ही थे जो बोल रहे थे नहीं लगते, एंड नाउ दैट यू हैव ग्रोन सो स्ट्रॉन्ग ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स टाइम फॉर यू एडल्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द हेयर एंड नाउ ओके एंड यू ऋषभ blah 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 believe in your partner and your partner pokemon in order to create the bright future we all hope to see okay mai to chutku sa champion wo itna bada champion bhai people of galar here you have it a new legend born right before your eyes your champion rishabh thank you bhai mereko rona aa jayega yaar tab mat bolo tum mummy wo champion ban gaya mummy chalo bahut hai but you can't wait I sure can't Let's watch and see what he can do. बहुत कुछ करूँगा मैं, तुम रुक जाओ भी, इतने सारे लेजेंडरीज पकड़ूंगा ना, रीजन को प्रॉस्पर कराऊंगा मैं। ओ गाइस गेम खत्म हो चुका है यार, क्या मस्त जर्नी रही है यार। शिगेरू ओमोरी जिम शर्नर, अरे आर्ट डायरेक्टर को तो हमने देखा ही था यूट्यूब पे, बहुत सारे बना के दिखाए थे उसने आर्ट। चलो भाई बढ़िया यार, मैं जैसे कि हमेशा करता हूँ मैं ट्राई करूँगा देखने का यहाँ पे कोई इंडियन नाम लिखा है कि नहीं लिखा, बट यार बहुत अच्छी जर्नी रही। हालांकि
इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला ये गेम जितना मैंने सोचा था अपने चैनल पे, पर स्टिल आई लव प्लेइंग द गेम, मुझे तो काफ़ी पसंद आया गेम यार, मज़ा आया गेम खेलने में। होपफुली तुम लोग को भी मज़ा आया हो देखने में, जो लोग देख रहे थे, जो लोग लॉयल रहे यार अपने साथ, उन लोगों को काश मज़ा आया हो। आई जस्ट होप, कोई इंडियन नाम तो भाई दिख नहीं रहा मुझे वैसे। और एक और चीज़, वैसे गेम ख़त्म हो चुका है पर अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो मैं याद होगा कि काफ़ी सारे ट्रेनर्स आते थे, वो बोलते थे कि मेरे पास आना जब तुम चैंपियन बन जाओ या फिर तुम चैंपियन जितने स्ट्रांग बन जाओ, कई हमें वो सब करना है। ओके, और मैं इस गेम की काफ़ी ज़्यादा लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ अपने ट्विच पे, क्योंकि मुझे अभी सारे पोकेमॉन पकड़ने हैं भाई, बहुत टाइम लगने वाला है उस चीज़ में, वो भी करेंगे ठीक है। तो उसके लिए अगर तुम फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो मेरे ट्विच को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमेशा की तरह। ओके, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो गेम पे काम करते हैं, देख रहे हो तुम लोग, गेम ऐसे ही नहीं बन जाते भाई। और मुझे ये सही समझ में आई है जब मैं गया हूँ इस कोर्स में, गया हूँ मैं, कितने सारे अब भाई कितनी सारी कंपनियाँ मिली हैं इस बार इनके साथ, स्टोरी प्लानिंग इतने सारे लोगों ने की है, क्या बात है। फील्ड प्लानिंग, भाई फील्ड प्लानिंग में क्या रहता है यार, बैटल प्लानिंग में कम लोग थे फिर भी, साउंड प्लानिंग में एक ही बंदा है, क्या बात है। ये सब देखने में बड़ा मज़ा आता है, साउंड कोऑर्डिनेशन, ज़्यादातर तो वैसे देखा जाए ना तो जापानीज लोग ही हैं। वॉइस, वॉइस किसकी भाई, किसकी वॉइस, पिकाचू वगैरह की वॉइस थी बस, उसमें और कुछ तो था नहीं, बाकी तो पीपा पूपा था उसकी क्या वॉइस है भाई, वो तो साउंड है। ओह आई गेस दिस इज इट, चलो सारे क्रेडिट्स खत्म हो गए, मैंने सारे देखे, एक दो मुझे इंडियन नाम दिखे थे शायद से बस, बाकी तो मुझे नहीं दिखे। ओह वाओ, दीज आर ऑल द स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल आर्ट्स दैट वर देयर इन द गेम, नाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, यार तुम सबको थैंक यू देखने के लिए गेम। और भाई ये तो स्पैम कर दिया इन लोगों ने इन लोगों ने मरीब के साथ स्पैम कर, मरीब नहीं क्या नाम था इसका, वुलू के साथ स्पैम कर दिया इन्होंने। दी एंड, नो 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 नो, दिस इज नॉट दी एंड, अभी बहुत कुछ बचा है, हमें काफ़ी सारे लेजेंडरीज पकड़ने हैं यार, जैशियन को पकड़ना है हमें, और पता नहीं क्या क्या लेजेंडरीज पकड़ सकता है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ गना बी अ फ्रेश स्टार्ट। हम लोग सीधा घर से जाने वाले हैं और एकदम जाएंगे एंड तक, ठीक है, एक एक कोना कोना छानूंगा, वहाँ पर क्या क्या मिलता है वापस से देखूंगा मैं, क्या पता लेजेंडरीज मिल जाए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आई टोल्ड यू कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ओ ओके, तो इन्होंने बस टीज़ कर दिया और हमें बता दिया कि वहाँ पर भाई जाओ, कुछ ना कुछ ज़रूर है वहाँ पर, ठीक है भाई जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या इन्होंने दे रखा है इस बार करने के लिए, एडवेंचर टू योर हार्ट्स कंटेंट, द गलार इज़ योर्स टू एक्सप्लोर। अच्छा, तो हम लोग जो करना चाहे वो कर सकते हैं, देर इज़ नो लाइक रिस्ट्रिक्शंस ऑन अस नाउ। हे मम्मी जी, अरे मैग्नोलिया आंटी आई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस चैंपियन, हेयर आई हैव गॉट अ लिटिल समथिंग फॉर यू एज सेलिब्रेशन। मास्टर बॉल, अरे ओके, तो हमें मास्टर बॉल अब गेम के ख़त्म होने के बाद, मतलब मेन गेम ख़त्म होने के बाद मिलती है, विच इज़ लाइक फनी, बट ओके वी गॉट इट। प्रोफेसर मैग्नोलिया, वाई यू डिडंट हैव टू कम ऑल द वे, प्रोफेसर मैग्नोलिया, वो यू डोंट हैव टू कम ऑल द वे हेयर, बात तो सही है, मतलब आपके पैर थक गए होंगे ना, आफ्टर एवरीथिंग रिशभ हैज अचीव्ड, इट्स रियली द लीस्ट आई कुड डू, ये बात तो सही है। द फिशिंग स्टार्स दैट मेक डायनामैक्सिंग पॉसिबल आर पार्ट्स ऑफ एडर्नेटस, एंड व्हेन एडर्नेटस वाज अवेकेंड, डायनामैक्स एनर्जी फ्लडेड द एंटायर रीजन, बिकॉज ऑफ दैट डायनामिक्स स्पोकन वर पॉपिंग ऑल ओवर कॉजिंग ट्रबल अक्रॉस ऑल ऑफ गिलार, बट ऋषभ एंड हिज फ्रेंड्स केम टू आर रेस्क्यू। द डायनामिक्स फिनोमेनन हैज लॉन्ग बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गिलारियन कल्चर, आई होप एवरीवन विल यूज द पावर ऑफ डायनामिक्सिंग करेक्टली इन डेज टू कम, सो यंग ऋषभ प्लीज डू दैट व्हाट यू बिलीव इज बेस्ट। बिल्कुल मैग्नोलिया, मैं हमेशा ऐसे ही लगा रहूंगा। और सोनिया किधर है, आपकी पोती किधर है? Poor Professor Magnolia. It seems she is quite bothered by the chairman's action, since she helped carry out much of the research into dynamaxing for him. वैसे उनको बुरा लगना नहीं चाहिए यार, उन्होंने तो अपना काम किया, अब रोज़ बुरा निकला तो उसमें वो क्या कर सकती है ना, उनकी थोड़ी ना कोई गलती है, गलती रोज़ की है। वैसे रोज़ ने खुद को टर्न ओवर कर दिया पुलिस को, पर फिर भी यार रोज़ गंदा तो था यार, है ना, सोच रहा था वो कि वो अच्छा है पर गंदा था वो। ओके, मुझे जो सोनिया से मिलने जाना पड़ेगा, उसको वापस मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है, पर वो करेंगे हम अगले एपिसोड में गाइस। होप किधर भाई, होप क्यों भैया, होप किधर हो तुम, आ जाओ यार, क्या करते हो तुम यार, आंटी जी होप किधर है, होप के साथ थोड़ा एडवेंचर पर जाना था जैशियन को मिलने हमें।
अरे भैया हॉप, तुम किधर रहते हो यार, तुम पोकेबॉल पड़ी रहती तुम्हारी इधर उधर यार जी। क्या मैगजीन डाल रखी है तुमने, का है जे का है? ओ देर इज अ पोकेमॉल विद अ चामेंडर इन इट, व्हाट? ओके काफी सारे लोग बोलते रहे थे कि चामेंडर मिलता है, पर ऐसे मिलता है क्या? मुझे लगा हॉप हॉप खड़ा रहेगा इसलिए मैं उससे बात करने आया था, पर ऐसे पड़ा रहेगा। यू रीड द लेटर अटैच द पोकेबॉल, इफ यू आर रीडिंग द ऋषभ देन आई एम लीविंग द स्पेशल चामेंडर टू यू, लेट्स हैव अ रियल फायरी बैटल अगेन सून, बेस्ट लियोन। ओ तो ये चामेंडर स्पेशल है, मतलब कि जायगेंटामैक्स हो सकता है क्या? मे बी, आई मीन मे बी ही माई डायनामैक्स, आई डोंट नो, जायगेंटामैक्स। चामेंडर को निकनेम नहीं कर रहे हम लोग अभी, और ऐड टू पार्टी कर दें क्या? कर देते हैं यार, हमारे पास वैसे भी अब हमें किसी से लड़ना तो है नहीं, तो हम लोग किसी गंदे पोकेमॉन को, आई मीन बहुत ज़्यादा ही गंदे पोकेमॉन को हटा देते हैं, ठीक है। अब मुझे, अब मैं भाई, मैं जो पोकेमॉन पकड़ना चाहूँगा मैं पकड़ूंगा, वाटर टाइप्स इस गेम में है नहीं, तो मुझे पुराने वाटर टाइप्स ही पकड़ने पड़ेंगे, आई हैव नो चॉइस एट ऑल। ओके सो आई डू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड गाइस, सॉरी अगर एपिसोड काफ़ी छोटा हो, क्योंकि हमें बाकी सब अब पोस्ट गेम में करना है, तो करेंगे बाद में। बट गाइस दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।